नेक्स्ट हमारा चैप्टर है मैकेनिक सेकंड उसमें आपको सेंटर मास का कंसेप्ट पता होना चाहिए तो देखें जो आपका न्यूटन लॉज ऑफ़ मोशंस है वो सिर्फ पॉइंट मासिस पे एप्लीकेबल है ठीक है अब हमारे पास सिस्टम जो है एक्चुअल एक्चुअल में जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं उसमें वी हैव हाँ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स सो कंसेप्ट ऑफ सेंटर मास वॉज इंट्रोड्यूस सो इंस्टेड ऑफ़ स्टडिंग द मोशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ़ द सिस्टम इट इज़ सफिशियंट टू स्टडी द मोशंस ऑफ सेंट्रामास बाई यूजिंग न्यूटन न्यूट्रल ऑफ मोशंस सिर्फ आप सेंट्रामास का आप स्टडी करेंगे तो आपके पास इंटायर सिस्टम का इंफॉर्मेशंस आ जाएगा ठीक है तो हम क्या करते हैं सेंट्रामास ऑफ सिस्टम और ए बॉडी इज ए पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द सिस्टम इज स्पोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड ठीक है तो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम आर सपोज टू बी एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास हमने जो भी कैलकुलेशन करनी है कहाँ करनी है सारी सिस्टम की सेंटर ऑफ मास पे तो वी गेट एग्जैक्ट रिजल्ट तो हमने क्या कर लिया सपोज हमारे पास टोटल सिस्टम का मास है एम उसमें बड़े सारे पार्टिकल्स हैं ठीक है थीके? तो पार्टिकल कौन सा आया मासिस कौन से आए एम एक पार्टिकल का मास एम वन फिर एम टू सो ऑन एम एन तो उनका कुछ पोजीशंस भी होगा जैसे मैंने ऐसे बनाया है ये आपका मान लिया ओरिजिन है ये पूरा का पूरा सिस्टम है इसमें बड़े सारे पार्टिकल्स हैं तो एम वन मास है एम टू है फिर एम थ्री है तो पोजिशन जो है हम ओरिजिन से लेंगे आर वन इस आर वन वैक्टर इसका पोजिशन वैक्टर है इसका आर टू सिमिलरली आर थ्री इसके लिए आर फोर सो ऑन एम एन ठीक है तो जो आपका सेंट्रल मास होगा इट इज़ डिफाइंड एज और उसका जो पोजिशन सा वैक्टर्स होगा कि सभी मासको लग मिला के हमारे पास टोटल मास आएगा तो कहीं पे जाके ये बैलेंस करेगा तो जिस पॉइंट पे वो बैलेंस करेगा मान ले मान लेते हैं कि इस पोजिशन पे वो बैलेंस कर रहा है ठीक है दिस इज द पोजिशंस ऑफ मास तो यहाँ से लेके ये ये पॉइंट होगा दिस इज द पोजिशंस ऑफ मास तो ये आपका वैक्टर्स आएगा ये किसकी इक्वल आएगा आपका ये आप करेंगे आपका होगा मूवमेंट ऑफ मास ये प्रोडक्ट ऑफ मास और उसका वैक्टर डिस्टेंस इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ मास तो मोमेंट ऑफ मास फॉर फर्स्ट पार्टिकल मूवमेंट प्लस मूवमेंट ऑफ मार्स फॉर सेकेंड पार्टिकल्स सो ऑन मूवमेंट ऑफ मार्स फॉर लास्ट वन पार्टिकल्स इसको आप डिवाइड करेंगे टोटल जो आपके पास मासिस हैं तो आपके पास एग्जैक्टली पोजिशन आ जाएगा किस पोजिशन पे आपका सेंटर ऑफ मास लोकेट करेगा क्लियर हो गया या आपके इसको समेशन की फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं समेशन एम आई आर आई आई आपका जा रहा है का, आपका कहाँ से कहाँ वन से लेके एन तक नीचे आप सभी मास को ऐड करेंगे तो वी हैव टोटल मार्स ठीक है नाउ अगर आपका कभी कभी क्या होता है कि जितना मास इस तरफ है उतना ही मास इस तरफ है तो आपका जो सेंट्रा मास का पोजीशंस कहाँ आएगा ओरिजिन के साथ कन्साइड करेगा है ना कोई बैलेंसिंग आपकी बॉडी है जिधर आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड मास इज इक्वल है तो सेंटर पर उसका बैलेंसिंग पॉइंट आएगा जिधर मास आपका जिस पॉइंट को आप बोलेंगे सेंट्रा मास तो इफ आपका सेंट्रा मास कन्साइड करता है ओरिजिन ऑफ द सिस्टम ये ये पॉइंट इसके साथ कंसाइड करते हैं ठीक है तो आर जीरो आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा समेन एम आई आर आई डिडेड बाई एम इज इक्वल टू जीरो आपका क्या है वैक्टर सम ऑफ मूवमेंट ऑफ मासिस मासिस ऑफ द ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम इज अबाउट टू बी जीरो क्लियर दिस इज द कंसेप्ट फॉर सेंटर ऑफ मास नाओ हम चल जाते हैं चले जाते हैं अब सेंट्रा मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम दो पार्टिकल सिस्टम ले लिया हमने ठीक है ए आपने ले लिया ये आपने कोडिनेट्स ले लिया एक्स बाई ठीक है उसमें हमारे पास सिस्टम है जिसमें दो ही दो ही मासिस हैं ठीक है ज्यादा नहीं दो ही मासिस हैं एम वन और एम टू एम वन का पोजिशन फैक्टर आर वन है एम टू का पोजिशन फैक्टर आर टू है ठीक है नाओ सीज हमारे पास दो पार्टिकल हैं जिनका मासिस एम वन एम टू है उनके पोजिशन वैक्टर आर वन और आर टू है अब मान लेते हैं कि वी वन और वी टू विलोस्टीज है पार्टिकल्स की तो विलोस्टी किसकी इक्वल होगी आपकी आ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वैक्टर डी आर वन बाई डी टी इसका क्या होगा डी आर टू बाई डी टी नो टोटल मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम मोमेंटम आपको पता है मास इंटू विलोसटी होगा तो मोमेंटम किसकी इक्वल आएगा मास इंटू विलोस्टी प्लस एम टू इंटू विलोस्टी अब विलोस्टी की जगह आप ये लिख सकते हैं वी वन विलोस की जगह आपका आएगा डी आर वन बाई डी टी विलोस्टी की जगह आपका आ जाएगा आ जाएगा डी आर टू बाई डी टी या टोटल मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम आ गया नाउ अब आप न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन से अप्लाई करें पर न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन क्या बोलते हैं कि आपका जो टोटल फोर सेकेंड ऑन सिस्टम वो किसकी इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो मोमेंटम आपने फाइंड आउट करा हुआ डी बाई डी टी मोमेंटम का वैल्यू ये हमने इसमें पुट कर दिया एम वन डी आर वन बाई डी टी प्लस एम टू डी आर टू बाई डी टी अब इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे आप आप देखें यहाँ पे मासिस को आप अंदर लेके जाएं. कर सकते हैं ऐसा एम वन को हम अंदर ले कर गए यहाँ से एम टू को भी हम अंदर लेके गए तो वी हैव डी बाई डी टी बाकी आपका क्वेश्चन एज इट इज़ नाउ अब डी बाई डी टी डी बाई डी टी आपका ये कॉमन आउट है तो वी हैव हाँ वो बाहर भी एक डी बाई डी टी है तो ये स्क्वायर में हो जाएगा डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्र आपके पास आया एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू वैक्टर्स ना अब हमें फॉर्मूला पता है कि जो अभी हमने सेंट्रा मास ड्राइव करा तो उसके नीचे आपका क्या आना चाहिए होल सिस्टम का मास आना चाहिए तो हमने मैनिपलेंस के लिए एम वन प्लस एम टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसको तो ये आ गया ठीक है तो आप जनरली इसको लिख सकते हैं फोर्स ये आपका फोर्स है दैट इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू टोटल मास ऑफ सिस्टम और डी स्क्वेयर बाई डी टी ये आपका आ जाएगा ये पोजिशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ठीक है तो ये एम जो है आपका टोटल मास है ये आर जो है ये ये जो ये जो टर्म है एम वन आर वन वैक्टर प्लस एम टू आर टू वैक्टर्स डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस पोजिशंस भी आपका सेंटर ऑफ मास लोकेट करेगा पॉइंट हुज पोजिशन इज डिफाइंड बाई पोजीशन of इज कॉल्ड एज अब इक्वेशन आपकी फर्स्ट है ये जो आपकी फर्स्ट है है ठीक इक्वेशल टू मास इन टू एसोलेशन ठीक है, है? क्योंकि ये आपका है? S mass, ये आपका क्या दे रहा है एसोलेशन बट एसोलेशन किसका भाई ये पोजिशन बता रहा है आपको मास की तो एसोलेशन किसका सेंटर ऑफ मास का तो इक्वेशन ऑफ मोशंस बोल सकते हैं इसको फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम इफ सेंटर मास सेंट्रा मास आपका कैसा होगा ऑलवेज लाइज बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑन द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग दैम ठीक है आपका देखें आपका जो सेंट्रा मास है वो कहाँ लाई कर रहा है लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के बीच में आपका लाई करेगा ठीक है अगर आपका क्या है कंडीशंस लेते हैं आपका क्या है एम वन और एम टू दोनों इक्वल हैं तो सेंटर मास कहाँ पे होगा मिड पॉइंट पे होगा आप इसमें पुट करके चेकआउट कर सकते हैं आपका सेंटर पे आएगा ठीक है अगर आपका सेंटर मास कहाँ लाई करता है ओरिजन्स पे मतलब आपका कहाँ पे लाई करता है सेंटर मास कहाँ करता है ओरिजन्स पे तो सेंटर मास कहाँ आया ओरिजन पर आया तो आर तो आपका ज़ीरो हो जाएगा जीरो होगा तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी क्योंकि एम वन प्लस एम वन इन आर वन प्लस एम टू आटोवेक्टर इज़ इक्वल टू जीरो नीचे वाला फैक्टर जो होगा एम वन प्स एम टू वो इस तरफ जाएगा तो जीरो हो जाएगा तो वी है सॉल्व करेंगे तो वी हैव दिस टर्म एम वन बाई एम टू इज इक्वल टू माइनस टाइम आर टू वैक्टर बाई आर वन तो आप यहां देखें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोजिशन वैक्टर तो कहने का मतलब यह है कि आपका क्या है देंटर मास ऑफ टू पार्टिकल डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल इन द इनवर्स रेशियो ऑफ दर मासिस देखिए आप मान लें कोई स्टिक है तो एक तरफ हैवी पार्ट है दूसरी तरफ आपका लाइटर पार्ट है तो आपका जो बैलेंसिंग पॉइंट निकलता है वो किस तरफ आता है आपका हैवी पॉइंट की तरफ आता है ठीक है हैवी पॉइंट की तरफ आता है द हैवियर पार्टिकल्स लाइज नियर दी देंटर मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम भाई जो आपका हैवी मास होगा हैवी uh, मास होगा उस तरफ आपका सेंटर ऑफ मास का पोजिशंस होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशंस क्लियर नेक्स्ट हमारा है मोशंस ऑफ सेंटर मास तो देखिए पर इक्वेश्स ऑफ मोशन ऑफ सेंटर मास ये आपने अभी करी फोर्स किसकी इक्वल मास इन टू एसलेशन किसका मास का डी स्क्र आर बाई डी टी स्क्र ये आर जो है ये ये जो आपका आर है दैट इज अ आपका क्या है आर आपका जो है दिस इज अ पोजिशन वेक्टर फॉर सेंटर मास ठीक है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं अब डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्र है तो थोड़ा सा मैनिबलेन्स कर दिया डी बाई डी टी डी आर बाई डी टी हम ऐसा कर सकते हैं अब देखिए वेयर आपका एफ क्या है टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम सिस्टम में बोल सकते हैं या फिर मास पे एम इज द मास ऑफ द सिस्टम टोटल मास ऑफ द सिस्टम है आर आपका क्या है पोजिशन वेक्टर फॉर मास बट विलोसिटी ऑफ मास किसकी इक्वल होगी डी आर बाई डी टी आपका क्या होगा तो इसको ऐसा लिख सकते हैं एम डी बाई डी टी और यहाँ पे डी आर बाई डी की जगह आपका फिलोसफी आ जाएगा सेंटर मास का नौ मास को आप अंदर लेके जाएँ तो मास को अंदर लेके जाएंगे तो आपका ये भी क्वेश्चन बन जाएगा अब मान लेते हैं कि इफ़ देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम मतलब नेट फोर्स सिस्टम पे आपका जीरो है एक्सटर्नल फोर्स आपका सिस्टम पे कोई भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो ये कंडीशंस गया फिजिकल टू जीरो वी हैव दिस डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस थिंग इज ज़ीरो इट मीन्स ये जो है आपका है एम डी बी बाई डी टी एम मास्क क्योंकि आपका जो टोटल मास ऑफ सिस्टम है वो कॉन्सटेंट है वो बाहर आ जाएगा डी बी बाई डी टी इज इक्ल टू जीरो मास जाएगा तो आपका जीरो वी हैव डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो तो वी कैन से दैट विलॉस इज कॉन्स्टेंट तो कहने का मतलब ये है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम तो सेंट्रा मास मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जैसे आपका यूनिफॉर्म मोशंस में होता है ठीक है क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम क्योंकि वहाँ पे नेट फोर्स आपका जीरो होता है भाई जितना फ्रिक्शन फोर्स नीचे से लगता है उतना फोर्स आप बाहर से अप्लाई करते हैं तो नेट फोर्स जीरो होगा बट बॉडी आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा